उत्तराखंड में 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बीजेपी जहां आयोजन कर आदिवासियों की सरकार बता रही है, तो कांग्रेस भी अपने आप को आदिवासी हितेशी बताने में जुटी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। आदिवासी जल जंगल और जमीन के रक्षक, जिन्होंने परंपरा और संस्कृति को संजोए रखा। भारत में 10 करोड़ से ज्यादा आदिवासी हैं। छत्तीसगढ़ देश का दूसरा सबसे ज्यादा आदिवासी जनसंख्या वाला राज्य है। यहाँ की 33.6% जनसंख्या यानी करीब 92 लाख आबादी आदिवासी है। लिहाजा यहाँ आदिवासियों को लेकर सियासत भी बेतहाशा नजर आती है। 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के पहले क्रेडिट पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। आदिवासी दिवस से पहले चढ़ा सियासी पारा। कांग्रेस सरकार के दौरान होता था बड़ा आयोजन, आदिवासी विभूतियों का किया जाता था सम्मान। इस बार दिवस को लेकर फिलहाल तैयारी नहीं। 9 अगस्त को है विश्व आदिवासी दिवस। छत्तीसगढ़ में 33.6% आबादी आदिवासी। आदिवासी समुदाय से ही आते हैं मुख्यमंत्री साय, पीसीसी चीफ दीपक वैज भी आदिवासी। ट्राइबल डे नजदीक आते ही सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस आदिवासी दिवस को लेकर हलचल ना होने पर सरकार पर हमलावर है, तो बीजेपी ने विपक्ष को चिंता ना करने की सलाह दी है। आदिवासियों की बदौलत बनने वाली सरकार, आदरणीय साय जी की सरकार जो है विश्व आदिवासी दिवस की कोई तैयारी नहीं कर रही है। और हमारी सरकार थी तो आदिवासियों का पूरा सम्मान था और महीने भर पहले से विश्व आदिवासी दिवस की तैयारी शुरू हो जाती थी। आदिवासी कलाकारों को, लोगों को आमंत्रित किया जाता था और उनको सम्मानित भी किया जाता था, लेकिन आदिवासियों की बदौलत बनने वाली सरकार ने आदिवासियों को भुला दिया है। वर्तमान में बीजेपी की सरकार की चिंता कर रही है कि उनको क्या करना है या क्या नहीं करना, कितनी तैयारी चल रही, क्या हुआ। मुझे लगता है ये पहली बार जिंदगी में ऐसा हुआ है कि इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं जो नहीं आना चाहिए। ये बीजेपी की सरकार का काम है, बीजेपी की पार्टी का कार्यक्रम है, हम निश्चित तौर पर करेंगे। वो विपक्ष होने के नाते आज सरकार में नहीं है लेकिन एक राजनीतिक दल के रूप में है, वो क्या कर रहे हैं ये तो बताएं। फिलहाल आदिवासी दिवस से पहले राजनीतिक रंग चढ़ता नजर आ रहा है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही अपने आप को आदिवासी हितैषी बता रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि आखिर विश्व आदिवासी दिवस पर बीजेपी और कांग्रेस क्या करेगी। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज़, रायपुर।